हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल खिचड़े की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। खिचड़े को हम बहुत लोग हलीम भी बोलते हैं और बहुत लोग खिचड़ा भी बोलते हैं, तो इसे बहुत सारे नामों से बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। खिचड़ा बनाने के लिए हमें बहुत सारी दालों का यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं हमें कौन कौन सी दाल लेनी है। सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम्स जौ ले लिया है। ये मैंने 250 ग्राम्स मूंग दाल ले लिया है। ये मैंने 250 ग्राम्स मसूर की दाल ले ली है। ये मैंने हाफ के जी चावल ले लिया है। 250 ग्राम्स मटर की दाल ले ली है। ये मैंने 250 ग्राम्स धुली उड़द की दाल ले ली है। एंड लास्ट में ये मैंने 250 ग्राम्स चने की दाल ले ली है। अब इन सब दालों को अच्छे से मिक्स करके वॉश कर लेंगे और इसको 3 से 4 घंटे तक ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो अब हम इन सब दालों को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे और 3 से 4 घंटे तक इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल को वॉश कर लिया है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे तक पानी में सोक करके रख देंगे। और ये मैंने जौ को अलग वॉश किया है, इसे अलग भिगाएंगे और अलग गलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल जो है फूल चुकी है, मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब हम इसको कुकर में गला लेंगे। तो कुकर में गलाने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें ये दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्लास वाटर। मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है टोटल। और आप ध्यान रखें कि दाल से ज़्यादा पानी होना चाहिए, अगर पानी कम रहेगा तो दाल इसमें स्टिक हो सकती है, चिपक सकती है। अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसको फ्लेम पे चढ़ा देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको बॉईल होने देंगे। दाल तो मैंने चढ़ा दी है, अब इसके बाद हम जौ को अलग कुकर में बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग कुकर ले लिया है, इसमें भी हम जौ को ट्रांसफ़र कर देंगे। जौ को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी। हम और ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम लिड लगा के फ्लेम पे चढ़ा देंगे और इसको भी हम 10 से 15 मिनट्स तक गलने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि कुकर खोल के देख लेते हैं कि दाल गल गई है कि नहीं। दाल को हम चेक कर लेंगे, देखिए ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो अब हम इसको बड़े कंटेनर में खाली कर लेंगे। जौ का भी कुकर खोल के देख लेंगे कि जौ गल गई है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जौ भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो अब हम इसे भी हम उसी कंटेनर में खाली कर लेंगे जिसमें मैंने दाल को खाली कराया। तो फ्रेंड्स, दाल तो मेरी गल गई है। अब हमें खिचड़े का गोश्त तैयार करना है। तो गोश्त तैयार करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर फ्लेम पे चढ़ा दिया है। इसमें हम 10 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 तेज पत्ता, 3 से 4 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 छोटी इलायची। गरम मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें अनियंस डाल देंगे।
ये मैंने हाफ के जी अनियन लिया है, इसको रफली चॉप कर लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अनियंस को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अनियंस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीट। ये मैंने 2 kg बीफ का मीट लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको ऑयल में फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 2 teaspoon सॉल्ट। अब 2 मिनट्स के लिए हम इसको भी फ्राई करेंगे। टर्मरिक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10 teaspoon गार्लिक पेस्ट एंड 10 teaspoon जिंजर पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट्स तक फ्राई होने देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 teaspoon धनिया पाउडर, 4 teaspoon जीरा पाउडर। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 teaspoon रेड चिली पाउडर एंड 1 teaspoon पेपर पाउडर। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने ये 1/2 kg टमाटोज ले लिए, इसको रफली चॉप कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं तो अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और गोश्त को बॉईल होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कुकर का लिड खोल दिया है, गोश्त ऑलमोस्ट गल गया है तो अब हम इसे भुनना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। को अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि इसका ऑयल अच्छी तरीके से रिलीज ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मीट ऑलमोस्ट भुन गया है, इसका ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स गोश्त मेरा रेडी हो गया है, तो जिस उस कंटेनर को फ्लेम पे चढ़ा देंगे जिसमें मैंने दाल को निकाल लिया था। अब इसमें हम गोश्त को भी ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है। पानी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से स्टिक ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं, हलीम अच्छे से पक गया है, अच्छे से खोल आ गया है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बोल में सर्व करेंगे। ये रेडी टू ईट है तो चलिए इसको बोल में हम सर्व कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।